देश में रायपुर के सी अग्रवाल ने देश के टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेंस परीक्षा के परिणाम जारी किए गए हैं। सिया ने 99.96% हासिल कर टॉप 10 में जगह बनाई। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और टीचर को दिया। सिया अग्रवाल से खास बातचीत की संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। के देर रात परिणाम जारी हो चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से श्रेया अग्रवाल ने टॉप 10 में जगह बनाई है। तो हम सीधे उनसे ही जानना चाहेंगे कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे। सफलता का श्रेय मैं अपने फैमिली और टीचर्स को देना चाहूंगी, उन्हीं के सपोर्ट के थ्रू आज इतनी अच्छी रैंक में हासिल कर सकी। आपने किस माध्यम से पढ़ाई की है, क्योंकि सोशल मीडिया भी है जो वो भी एकमात्र पढ़ाई का एक जरिया बन चुका है। अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो किस तरह से आपने पढ़ाई की है? ये ऑनलाइन पढ़ाई मैंने ज्यादा नहीं की, मैंने अब सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दिया। कभी कोई दिक्कत भी तब ऑनलाइन नेट की हेल्प लेती थी पढ़ने के लिए। आप पढ़ाई में कितना समय देती थी? पढ़ाई के लिए मुझे ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे मिलते थे। बाद में स्कूल कोचिंग खत्म होने के बाद इस पर ज्यादा ध्यान देती, ज्यादा टाइम में लगा तो उस पर पढ़ाई पूरा ध्यान पढ़ाई में देती थी। आपने अभी टॉप 10 में जगह बनाई है, आपका क्या उद्देश्य है, क्या बनना चाहती हैं आप? अभी मैं एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्हें काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, तो उन्हें क्या सफलता का मूल मंत्र देना चाहेंगी? आप निराश मत होइए, ये कोई लास्ट चांस नहीं था, दोबारा ट्राई कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। जैसा कि श्रेया अग्रवाल ने बताया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करते ही रहना चाहिए। बता दें कि श्रेया 12वीं में भी दूसरे पायदान पर अपनी जो है सफलता हासिल की थी। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। भारतीय रेलवे ने अनलॉक 4 के